बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मुसर्रत जहां गवर्नमेंट नजद गर्ल्स डिग्री कॉलेज हैदराबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मेरा ताल्लुक शोबे उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा, कोरोना वायरस के सबब आपकी क्लासेस ऑफ की गई हैं। सिंध गवर्नमेंट ने आपकी आसानी के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। उम्मीद है ऑनलाइन क्लासेस से आप मुस्तफीद होंगे। अज़ीज़ तलबा, 11वीं और 12वीं क्लास की उर्दू की किताब गुलजार उर्दू दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्से नसर और हिस्से नज़म। हिस्से नज़म में गज़लियात और मंजूमात दी गई हैं। गज़लियात में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, मौलाना हाली, मौलाना हसद मोहानी, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल की गज़लियात मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, गज़लियात पढ़ने से पहले आज हम गज़ल का तारुफ़ पेश कर रहे हैं। हमारा आज का मौजू है गज़ल। गज़ल अरबी लफ्ज़ है, मगर सिंफ़ शेर की हैसियत से ईरानियों की ईजाद है। गज़ल बुनियादी तौर पर इश्किया शायरी है, लेकिन रुदकी से लेकर नासिर काज़मी तक 1000 साल के तवील अरसे में गज़ल में मज़ामीन के एतबार से इस क़दर वसअत पैदा हो चुकी है कि आज इश्क व मोहब्बत, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, दीन व अख़लाक़, इरफ़ान व तसव्वुफ़, सियासत व मईशत, नफ्सियाती व समाजी मसाइल, कायनात की वसअतें और बातिन की गहराइयाँ, गर्ज के हयात व कायनात का हर पहलू गज़ल गो शोरा की दस्तरस में है। गज़ल की तारीफ़। गज़ल की तारीफ़, गज़ल के लुग़वी मायने हैं औरतों से मुतालिक बातें करना या औरतों से बातें करना, ज़िक्र इश्क़ो महबूब, बयान सोज़ो गुदास या हिरन की वो ज़ईफ़ चीख जो शिकारी कुत्तों में घिर जाने के बाद उसके हल्क से निकलती है। अज़ीज़ तलबा, गज़ल उर्दू शायरी की अहम तरीन सिन्फ़ सुखन है। इसका माख़ज़ अरबी कसीदे का इब्तदाई हिस्सा नसीब है, जिसमें शायर मौजू से हटकर मोहब्बत की दास्तान और हिजर विसाल का किस्सा छेड़कर अपनी महबूबा को याद करता है। गज़ल उर्दू शायरी में फ़ारसी शायरी की मरहून मन्नत है। वली दखनी उर्दू का पहला काबिल ज़िक्र गज़ल गो शायर था और उसे गज़ल का बाबा आदम भी कहा जाता है। गज़ल के इर्तिका में मीर, सोदा, दर्द, जुर्रत, मुसफ़ी, आतिश, गालिब, ज़ौक़, मोमिन, ज़फ़र, दाग, हाली वग़ैरह का काबिल क़दर हिस्सा है। अज़ीज़ तलबा, गज़ल की हैयत। हैयत के एतबार से गज़ल का हर शेर एक मखसूस बहर में काफ़िये और रदीफ की पाबंदी करता है। गज़ल की अज़ाए तरकीबी में मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ और बहर शामिल है। मतला। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने तुलू होना या आगाज़ होना। गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। मसलन, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। काफिया उठी और चली, रदीफ है अभी, है अभी। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं क़ता किया हुआ। गज़ल और कसीदे के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, बशर्ते के शायर ने इसमें अपना तखल्लुस नज़म किया हो। ज़रूरी है कि शायर इसमें अपना तखल्लुस नज़म करे तो हम इसे मक्ता कहें। अगर शायर इसमें अपना तखल्लुस नज़म नहीं करता तो ये गज़ल का आखिरी शेर तो कहलाएगा, लेकिन मक्ता नहीं कहलाएगा। मसलन, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी।
इस शेर में नासिर काज़मी ने अपना तखल्लुस नज़म किया है, लिहाजा हम इस शेर को मक्ता कहेंगे। काफ़िया। काफ़िया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पीछे आने वाला, और इस्तेलाह में हम आवाज़ और हम वज़न चंद हरूफ मुईन का नाम काफ़िया है, जो गज़ल या कसीदे के मतले के दोनों मिसरों में लाजमी है, और गज़ल या कसीदे के बाकी तमाम अशार के मिसरा हायसानी में लाजमी है। मसलन, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, काफ़िया इसमें उठी और चली। रदीफ। रदीफ से मुराद वो कलमा या कलमात हैं जो काफ़िये के बाद मुकर्रर वाक़े होते हैं। मसलन, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, इसमें रदीफ है अभी, है अभी। गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से अपनी जगह पर एक मुकम्मल हैसियत रखता है। गज़ल के किसी शेर के लिए लाजिम नहीं कि वो माँ कबल और माँ बाद के शेर के साथ मफहूम के एतबार से मरबूत हो। बकौल वज़ीर आगा, गज़ल की इकाई गज़ल नहीं बल्कि शेर है। यानी गज़ल का हर शेर मौजू के एतबार से दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। गज़ल में मुसलसल या तसलसल की पाबंदी लाजमी नहीं। कुछ शोरा उर्दू और फारसी में ऐसे हैं जिन्होंने मुसलसल गज़ल या गज़ल मुसलसल कही हैं, जिनमें शेख सादी और उर्दू में मौलाना हाली हैं। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है गज़ल का तारुफ़ आपकी समझ में आया होगा। आइंदा इंशाअल्लाह हम गज़लियात पढ़ेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।